भाई अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ, एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ, हिसार के अंदर पीएलए मार्केट में, जो कि इस समय बात करूं तो खाने पीने का हब बन चुकी है वह मार्केट। जी हाँ, ये बहुत बड़े रेस्टोरेंट का हब बन चुकी हिसार की पीएलए मार्केट। और इस पीएलए मार्केट में पीएलए पेट्रोल पंप के बिल्कुल पीछे खुल चुका है डोला। जी हाँ, और डोला पर आपको क्या मिलने वाला है? हेल्दी फूड्स। जी हाँ, तमाम तरह का हेल्दी फूड आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ के ब्रेकफास्ट ही कहा जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट है, और बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, वो आपको दिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर आपको स्पेशल क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर पराठा, मूंग दाल, चिली और सैंडविच, पोहा, इसी तरीके से बैडमी पूरी भी मिलेगी आपको। और यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है, और थाली भी मिलेगी व्रत के लिए, कुट्टू के पकोड़े और आलू के पिनर चाट भी मिलने वाला है, और बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हिसार में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुल चुका है जहां पर आपको घर जैसा खाना मिलेगा। भाई हेल्दी मिलेगा और घर जैसा मिलेगा, और यहां पर बहुत कुछ मजा भी आने वाला है, क्योंकि बैठने के लिए भी आप एक अच्छा वातावरण आपको यहां पर मिलने वाला है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां बहुत ही अच्छा वातावरण है, देख लिए, और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। डेकोरेशन के मामले में ये इसको नंबर वन कहा जा सकता है कि इस जगह को इस तरीके से डेकोरेट किया गया है कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इतने जगह पर स्पेस पर जबरदस्त डेकोरेशन की गई है। और खाने पीने की मैं बात करूं तो खाने पीने के शौकीन यहाँ पर मौजूद हैं। मैम से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। पूरी छोले, पूरी और सब्जी पर आप लगे हुए हैं, पूरी की खासियत क्या है जो आपको किस तरीके से पसंद आई, बताएं। ये पूरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये स्पेशली आटे और दाल से बनी हुई है, इसमें कोई भी मैदा नहीं है, तो मैं हेल्दी फूड ही प्रेफर करती हूँ। अगर मैं बाहर भी कुछ खाना पसंद करती हूँ तो ये जो रेस्टोरेंट है ये स्पेशली हेल्दी बाइट के लिए है, तो मैं यहीं पे आना प्रेफर करती हूँ और यहाँ पे ही फूड खाती हूँ जो भी मुझे पसंद होता है। क्या बात है। इन पूरियों के अलावा, इस पूरियों के बारे में मैंने सुना है कि इसमें कोई किसी प्रकार से मैदा नहीं डालते, सिर्फ आटे और दाल से बनी हुई होती है। हाँ, ये बिल्कुल आटे और दाल से ही बनी हुई है, क्योंकि ये खाने से तो पता चल ही जाता है कि मैदा है या आटा है। बिल्कुल। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ व्रत के लिए भी शायद ये रखा हुआ है। हाँ, ये कुट्टू के आटे के पकौड़े हैं जी, जो कि मैंने अभी खा ही रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर कोई भी व्रत रख रहा है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप प्लीज जरूर ट्राई कीजिए। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं तो जरूर खाऊंगी, अभी नवरात्रे आएंगे तभी, और मैं वैसे भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। क्या बात है। तो मैम आप तो यहाँ प्रॉपरली आते रहते होंगे, कहाँ से आप? बेसिकली मैं जींद से हूँ जी, लेकिन मैं यहाँ पे एक साल से आ रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को हिसार में रहते रहते भी 5 साल हो गए। क्या बात है भाई। और हेल्दी खाना और टेस्टी खाना तो सिर्फ डोला पर ही आना। और डोला कहाँ है? पीएलए में। और इस डोला को किसने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा ब्रांड बनाया, वो भी कम समय में, उनसे मिलना बेहद जरूरी है। तो चलिए कर लेते हैं बातचीत मैम से। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम मैम? मेरा नाम है निशा गोयल। निशा जी, आपने कम समय में इतना बढ़िया रेस्टोरेंट डेवलप किया है, और काफी तारीफ आपके रेस्टोरेंट की सुनी है, और कहा जा रहा है कि स्विगी और जोमेटो पर भी आप अच्छी सेवाएं यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट की मिल रही है। किस तरीके से आपने इतने कम समय में इतनी तरक्की की, बताएं। सर, बस कस्टमर का साथ था, घर वालों का साथ था, और दूसरा है प्योर खाना जी। जो हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है कि हम प्योर खाना देते हैं, जो हम खुद खाते हैं वही हम कस्टमर को सर्व करते हैं, चाहे वो घी हो, चाहे तेल, मसाला, आटे, जो भी कुछ है प्योर होता है जी। आपके रेस्टोरेंट की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है जो यहाँ लोगों को खींच लाती है, टेस्ट जो है वो यहाँ पर ले आता है? सर, पहली बात तो टेस्ट है, दूसरा क्वालिटी भाई, क्वालिटी मेंटेन है किसी भी चीज में, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर नहीं हो पाता, टाइमिंग कई बार कम होती है, तो बेशक हम मना कर दें, बट क्वालिटी मेंटेन है। क्या बात है। क्वालिटी की बात करूं तो मसाले जो है वो बहुत जरूरी होते हैं क्वालिटी में, आप कौन से मसाले यूज करते हैं? सर, हमारे सारे मसाले राजस्थान से आते हैं, स्पेशली राजस्थान के सारे मसाले यूज करते हैं हम। क्या बात है। हाँ, स्पेशल मैंने सुना है ब्रेकफास्ट को लेकर आपने स्पेशल यहाँ पर तैयारियां भी की, और व्रत को लेकर के अच्छी तैयारी आपने की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ब्रेकफास्ट में वैसे तो पूरी स्पेशल है हमारी, बट परांठे, मूंग दाल चीला, ये सब कुछ भी अवेलेबल होता है। मूंग दाल चीला, प्योर मूंग दाल चीला, हरी चटनी, मीठी चटनी दोनों अवेलेबल होती है, गुड़ और इमली की चटनी होती है। और नवरात्रों को लेके कुट्टू के पकोड़े, दही चटनी, व्रत थाली, आलू पीनट चाट, काफी सारी आइटम है जो आने वाले नवरात्रों में आप ऑर्डर कर सकते हैं, या आप यहाँ आके भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो कहा जाता है कि सैंडविच और पोहा भी आप लोग खिलाते हैं? हाँ, सैंडविच और पोहा
ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशल, किसी को हल्का ब्रेकफास्ट अगर करना है तो पोहा होता है और सैंडविचेस होते हैं दो तीन वैरायटी के जो कि ब्राउन ब्रेड में बने होते हैं। जी, जूस की बात करूं तो वो भी आप यहां पर? हाँ जी, कोल्ड प्रेस जूसेस अवेलेबल हैं, फ्रेश फ्रूट के कोल्ड प्रेस जूसेस। बिल्कुल भाई, और आपको भी यहाँ पर अगर खाना पीना है और हेल्दी रहना है भाई, आप तले फले से परेशान हो चुके हो, बर्गर खा करके चाउमीन खा करके परेशान हो चुके हो, कुछ हेल्दी खाना चाहते हो तो फिर यहीं पर आना, हेल्दी खाना तो डोला पर आना। तो मैम से जान लेते हैं, मैम एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे? एड्रेस है सर, SSP 42 PLA पेट्रोल पंप के बिल्कुल बैक साइड में है, और फोन नंबर है 7056155000। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है आने का तो आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। टाइमिंग क्या रहती है आपकी रेस्टोरेंट की? टाइमिंग रहती है सुबह 8:30 स्टार्ट हो जाता है किचन, 8:30 से रात को 9 बजे तक। और जोमेटो स्विगी पर भी अवेलेबल है? हाँ, जोमेटो स्विगी दोनों पर अवेलेबल है, सेम टाइमिंग है जोमेटो स्विगी पर भी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। तो भाई मैम ने तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत कर दी है, हिसार को एक अच्छी सौगात देती है, इस तरह का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है हिसार में, ऐसा रेस्टोरेंट बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो PLA में ही मिलेगा, क्योंकि घर जैसा खाना और जो खाना ये बनाते हैं, क्योंकि खाने में अच्छे एक्सपर्ट हैं, और इनके पीछे कहानी भी है छोटी सी, वो भी मैं इन्हीं की जुबान से सुन लेता हूं। मैम सुना है कि आप खाने के बड़े शौकीन है, बनाने के, खाना खाने के तो सब हर कोई होता है, खाना बनाने के शौकीन है? बिल्कुल सर, बनाने का शौक है मुझे, और एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों पे और हस्बैंड पे। अच्छा, क्या बात है भाई। और इस बात पे तो भाई मैं कहूंगा भाई साहब कैसा खाना बनाते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि भाभी जी का हाथ का खाना लगता कैसा है। भाई लोगों के तो राय बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगता है उनको। ये बताएं कि जिस तरीके से एक छोटी सी कहानी भी है कि आपने ये रेस्टोरेंट की जो शुरुआत की थी उसको लेकर के सर, लॉकडाउन में आपने लोगों को कहा कि भाई उनको एक हेल्दी खाना घर पे बैठे बैठे मिल जाए उसको? बिल्कुल सर, क्योंकि कोरोना वेव में सब लोग परेशान थे, कुछ लोग यहाँ फंस गए थे जो जा नहीं पा रहे थे, और खाना उनको घर जैसा चाहिए था, तो तब मैंने अपना बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट किया था। जोमेटो के अलावा लोग खुद आकर अपना खाना बोल देते थे मुझे और पैक करवा के लेके जाते थे, क्योंकि हेल्दी खाना उनको चाहिए होता था जो यहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा एटलीस्ट। बिल्कुल, हेल्दी खाना तो डोला पर आना, और एक नारी सब पे भारी। जी हाँ, ये अकेली नारी जो है वो नारी शक्ति की एक बड़ी पहचान है जो सब पे भारी है, लेकिन फिलहाल मुझे ये भारी लग रही है, लगातार खाई जा रही है और इनको नजर ना लग जाए। मैम आप सुना है इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, उस पर भी अच्छा आपका फॉलोअर है, कहाँ किस तरीके से? जी, मेरी आईडी है अन्नू कंदोला 25 के नाम से, और मैं इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डालती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है खुद को, जो मेरे को मतलब पसंद है, जैसे कोई एक्टिंग, डांस, मेरे को जो भी अच्छा लगता है मैं अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आप लोग भी जरूर फॉलो कीजिएगा मेरी आईडी को, और आप लोगों को अच्छा लगेगा फॉलो करके। बिल्कुल, और ये हेल्दी खाना तो डोला पर आना, ये देखिए कितनी अच्छी घर की बनी हुई चटनी है, और इसके अलावा मैं बात करूँ तो सब्जी भी जो है बेहतरीन सब्जी आपको ये आपको मिलेगी, और हेल्दी पूरी के साथ। इसके अलावा जो है कुट्टू के आटे की ये देखिए पकौड़ी, बहुत ही अच्छी पकौड़ी दही के साथ, वर्त वाली पकौड़ी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। इस तरह की हेल्दी चीजें भी आपको ये मिलने वाली है, डाइट थाली जो है वो भी आप यहाँ पर खा सकते हैं, तरह तरह के जूस भी यहाँ पर अवेलेबल है। कहाँ पर? हेल्दी खाना तो डोला पर आना। जी हाँ, हेल्दी बाइट डोला हिसार की अपनी अपनी पहचान है PLA में, तो देर ना करें और पहुंच जाए PLA के अंदर और पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने डोला पर। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिए, अगर आप शेयर करके आएंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जो आपको डिस्काउंट जो है वो आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करें और शेयरिंग को दिखाएं कि हमने 10 शेयर किए जी, देखिए तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।